पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह अपनी नई एल्बम 3.0 को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए। हनी सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर सालों बाद आ रही नई एल्बम का प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे में हनी सिंह अपनी हेल्थ से लेकर इंडस्ट्री को लेकर कई खुलासे भी कर रहे हैं। हाल ही में हनी सिंह ने शहनाज गिल के चैट शो में खुलासा करते हुए बताया कि कुछ सालों पहले एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के लिए उन्होंने एक एल्बम डिजाइन किया, लेकिन उन्हें कुछ खास क्रेडिट नहीं मिला। हनी सिंह हाल ही में शहनाज गिल के चैट शो का हिस्सा बने थे, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया। हनी सिंह ने शो में बताया वह कभी क्रेडिट के लिए काम नहीं करते हैं। इसी कड़ी में जोड़ते हुए हनी सिंह ने कहा, मैंने हमेशा खुद के लिए काम किया है, अपने को खुश करने के लिए काम किया है, किसी और को खुश करने के लिए नहीं। जो गाना मुझे पसंद आ रहा है उसे रिलीज करूंगा और उसे शूट करूंगा। हनी सिंह ने साथ ही कहा, जब साल 2007 में वह पंजाब शिफ्ट हुए तो उन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर काम किया। हनी सिंह ने साथ ही कहा, 2007 से लेकर 2012 में उनके कई गाने हिट हुए, तब उन्होंने दिलजीत दोसांझ के लिए एल्बम बनाया था द नेक्स्ट लेवल। उस एल्बम को डिजाइन करने में एक साल लगा था, लेकिन मुझे उसका कुछ खास क्रेडिट नहीं मिला। मैंने कभी क्रेडिट के लिए काम नहीं किया, क्योंकि अगर आपके अंदर हुनर है तो आज नहीं तो कल जो हुनर को परखने वाले लोग हैं और जो मौका देने वाले लोग हैं वह आपको बुला लेंगे। ऐसे में सब्र जरूरी है। हनी सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो पंजाबी सिंगर और रैपर का हाल ही में एक गाना सलमान खान की फिल्म में रिलीज हुआ है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में हनी सिंह ने छोटू मोटू गाना गाया है। बता दें, इससे पहले हनी सिंह बॉलीवुड में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के लिए गाना गा चुके हैं। ऐसी ही तमाम देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।